सर्टेन सम ऑफ मनी ऑफ रुपीज, इतना अमाउंट मतलब कोई मूलधन है, इतना रुपया हो जाता है 3 वर्ष में। तो रेट बोल रहा है तो 3 वर्ष में हो रहा है। तो दो तरीका से निकाल सकते हैं कि अमाउंट बराबर पी वन प्लस आर बटा 100 की पावर 3। तो अमाउंट कितना है 4,39,400, मूलधन कितना होता है डिवाइड कर दिए इसका पावर 1/3 करेंगे तो इधर पावर हट जाएगा। तो यही वाला काम यहाँ, इसका इसका मूलधन 45,400 से लेके 34,000 मूलधन था, 34,560 से लेके मिश्रधन कितना हो गया 43,940, 43 का 10,000 10,000 3,49,400, 200 से 200 काटें तो कितना है 1,728। 12 का क्यू है, 2197 में 13 का क्यू। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किए तो कितना का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि हुआ, किस में वृद्धि हुआ 12 में। तो रेट कितना हुआ 1/12, यानी 100/12 लिखते हैं तो 12/96 और 8.1/3% बॉट रेट पर यदि ब्याज तिमाही से नहीं हो जाता तो इतना रुपये की राशि से पर 9 माह में इतना रुपया ब्याज मिलता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त, इतना रुपया चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो मूलधन इतना रुपया है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्रधन निकालें 9 माह में, तिमाही है तो 3 साइकिल चलेगा 3-3 माह का। तो इसका क्यूब कर देंगे तो इसी तरह इसका 8,092,661। तो 20 का क्यू है, 21 का क्यू, तो ब्याज कितना आया तो 1/2 कितना में 20 में, तो 5% ब्याज आया कितने के लिए 3 महीना के लिए। तो 3 महीने मतलब प्रत्येक ईयर कितना, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 × 3 = 12, तो 20% का ब्याज आया। अगला, यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः इतना रुपये और इतना रुपये, दूसरे और तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि किसी मूलधन पर जो मिश्रधन है इतना है तो अमाउंट 2 इतना, अमाउंट 3 इतना है दूसरे और तीसरे वर्ष में। तो दूसरा से तीसरा वर्ष हुआ तो तीसरा वर्ष जो मिश्रधन है, दूसरा वर्ष का प्रिंसिपल ये होगा तो मिला कितना ब्याज कितना मिला 672 रुपये। 672 कितना पर मिला 96,000। ये जो ये मिश्रधर है तीसरे वर्ष के लिए मूलधन बन गया तो इतना इंटू 100, तो 7% निकाल दिए। अगला, एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, 7 वर्षों में इतना हो जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक से नहीं हो जाती, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो 4 वर्षों में इतना और 7 वर्षों में इतना, तो दोनों का अंतर कितना 3 वर्ष। तो और ये 5,400 से कितना हो गया 51,569,852,832 साल में। तो इसका क्यूब रूट किए, इसका क्यूब रूट किए तो हुआ कितना 30 से 31 हुआ। तो वृद्धि कितना हुआ 1 का, कितना में तो 30 में 200, 33.3% का वृद्धि हुआ। कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपये हो जाते हैं तो वह धनराशि बोल रहा हूँ। तो 6% कहने का मतलब है कि 6/100 यानी 3/50, यानी पहले मूलधन 50 रुपया था तो 53 रुपया होगा, फिर 50 रुपया था तो 53 हो गया। 2 वर्षों की बात है तो 2 वर्षों में मूलधन कितना 2,500, 53 का स्क्वायर 2,800, तो मिश्रधन इतना हो गया। वह दिया मिश्रधन यहाँ कितना दिया हुआ है 28,000, 2 वर्षों में मिश्रधन इतना हो गया, कितना टाइम्स हो 100 टाइम्स हो गया। तो इसका भी 100 टाइम्स करेंगे तो मूलधन निकल जाएगा। एंड सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी इतना अमाउंट 2 रुपीज़ इतना इन 2 ईयर एट सर्टेन रेट, सर्टेन कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर एनम, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर इतना ईयर एट डबल द इंटरेस्ट रेट। तो इतना रुपया मूलधन था, इतना रुपया मिश्रधन हो गया, तो दर कितना हो गया इसका रूट करेंगे यानी 1/2 करेंगे तो 50 से 54 हुआ, यानी इसको सिंप्लीफाई किया तो 25 से 27 हो गया। इसको रूट करिए ना 7,500 के और 87 48 के।
तो इसको सिंपलीफाई किया, इसको या तो 1/2 कर दीजिए टोटल को डिवाइड करके, तो कितना है मिश्रधन इतना, मूलधन इतना, मिश्रधन तो 25 27 हो गया। तो कितना बड़ा, दो बड़ा कितना है 25 में, तो दर निकालें यहाँ से 8%। तो बोलो इस पर साधारण ब्याज निकालो, जो मूलधन वही रहा है लेकिन दर के प्रतिशत दोगुना कर दिया जाए, तो न्यू दर कितना होगा 16%। टाइम कितना है 5 24 3 23/5, तो भट पर सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम इतना डबल द ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 5 24 3 23/5 समय के लिए। तो यहाँ से ऐसा ही निकाल लीजिए, वही मूलधन पर मूलधन उतना ही, मूलधन कितना 7500, टाइम इतना हो गया, दर हो गया 16%, 16% मतलब 4 4 16 25, 4/25। अब उसको निकाल लीजिए सिंपलीफाई किए तो 5520 रुपया। कोई दिन 8 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के अपने को 3 गुना हो जाती है, अपने के 3 गुना 8 वर्ष में कितने वर्ष में 243 हो जाएगी, 243 कितने वर्ष में हो जाएगी अपने का 3 गुना हो जाती है, तो 3 3 की पावर 1 3 गुना हो जाती है 8 वर्षों में, 3 3 9 7 7 3 की पावर 5 किए हैं, तो इधर 8 × 5 40 वर्ष में हो जाएगा। अगला सम ऑफ मनी बिकम इतना टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 30 ईयर, देन हाउ मनी ईयर इट वॉज इतना टाइम्स, 13,824 हो जाता है 30 साल में, तो 2/4 टाइम्स कितना होता है, 2/4 टाइम्स का एक क्यूब है, तो 2/4 टाइम्स का क्यूब है 30 साल में, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 10 वर्ष में हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।